अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय फेलोज एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NPS 19 ऑफिशियल। सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। एज इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन टू टू ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स विच हैव बैकबोन लाइक अस एंड इवन वर्टिब्रेट्स आर दोज विच डोंट हैव द बैकबोन। ओके, देन वी हैव डिस्कस दैट द वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, उनका स्केलेटन किससे मिलकर बना होता है, बोन से, और इनके इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कोई बोन मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट, टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी अब हम वर्टिब्रेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस तरह के वर्टिब्रेट्स मौजूद हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि मैमल्स में हम मैमल्स जो है वो ह्यूमंस भी मैमल्स में ही इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम भी क्या हुए, वर्टिब्रेट्स। सो फिश लिव इन वाटर, जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि जो फिश है वो पानी में ही रहती है। ठीक है, हम फिश खाते भी हैं, ईटेबल है, एडिबल है ये। बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड, द मिडल पार्ट इज ब्रॉड एंड थिक, दैट इज द बॉडी इज बोट शेप। आपने फिश अक्सर देखी भी होगी अगर किसी तालाब वगैरह में, या जब खाने के लिए भी, जिसका जो मिडल पोर्शन होता है वो क्या होता है, थिक होता है, हार्ड होता है। ठीक है, थिक होता है। दिस बॉडी शेप इज मोस्ट सुटेबल टू स्विम, ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि अगर वो फिश पानी में रह रही है तो वो वहाँ पे क्या करती है, स्विम करती है। दे हैव स्केल्स ऑन द स्किन, जब आप फिश खाते हैं तब आपने देखा होगा उसके ऊपर स्केल्स जैसे लाइनिंग की तरह के होते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स, जिस तरह ह्यूमंस जो है वो लंग्स के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, इस तरह जो फिश होती है वो किससे, किसके थ्रू करती है, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है। फिश हैव फिन्स एंड टेल विच हैव टू स्विम, अब स्विम करने के लिए जिस तरह हमें ह्यूमंस हैं वो चलते हैं, तो जो फिश होगी वो उसने स्विम करना होता है, तो उसको कौन हेल्प आउट करता है, फिन्स एंड इट्स टेल। रिप्रोडक्शन इन फिश टेक प्लेस थ्रू द एग्स, देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। द नेक्स्ट ग्रुप इज एम्फीबियंस, एम्फीबियंस लिव ऑन लैंड एंड इज ऑल्सो इन वाटर। हमने फिश का पीछे पढ़ा वो क्या था, सिर्फ पानी में रहती थी। ठीक है, एम्फीबियंस जो है वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड जमीन पर भी रह सकते हैं। ये रेस्पायर करते हैं किसके थ्रू, लंग्स एंड स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में कौन कौन से इंक्लूड हैं, फ्रॉग, टोड, न्यूट, सलामेंडर। थ्रू दिस स्किन इज मॉइस्ट एंड लूज, दे लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर, देयर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। जैसे कि हमने फिश में भी यही लाइन पढ़ी थी कि उनका बॉडी टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि उनके इर्द गिर्द के जो माहौल का इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। दे डिवेलपमेंट टेक प्लेस इन वाटर, वो उसके लिए भी वाटर बहुत जरूरी था रिप्रोडक्शन के लिए, इनके लिए भी वाटर बहुत जरूरी होता है। फ्रॉग, टोड, सलामेंडर एंड न्यूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस, इनके साथ उनके डायग्राम्स भी बनी है। फ्रॉग आपने अपने घरों में भी देखे होंगे, टोड भी देखे होंगे, सलामेंडर एंड न्यूट नहीं देखे होंगे तो आप यहाँ पे डायग्राम के साथ देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट ग्रुप इज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कौन किन को कहते हैं हम, क्रीपिंग एनिमल्स, यानी जो जमीन पर रेंगने वाले जानवर हैं। ठीक है, देयर स्किन इज थिक, कोर्स एंड ड्राई विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स। उनकी स्किन क्या होती है, थिक होती है, कोर्स का मतलब भी क्या होता है, थिक की फॉर्म में होता है यानी मोटा। रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू द एग्स, ठीक है, जिस तरह उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रही थी एम्फीबियंस में भी एग्स के थ्रू ही हो रही थी और फिश में भी। दे ले एग्स ऑन लैंड, देयर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, यानी कि इनके इन्वायरमेंट में किस तरह का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करते हैं। रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल्स किन किन की हैं, लिजर्ड जो आपने अपने घरों में अक्सर देखी होंगी, क्रोकोडाइल भी देखा होगा कहीं किसी लेक तालाब वगैरह में, स्नेक भी देखे होगा, टर्टलाइल्स भी देखे होंगे, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किन को कहते हैं, मोस्टली रेंगने वाले जानवरों को कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट ऊपर देखें, एक डू यू नो था, आपने एक अपने बुक के किसी भी चैप्टर को कोई डू यू नो स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होती हैं अक्सर। वाई एम्फीबियंस कुड नॉट फ्लोरिश इन द होल वर्ल्ड, कि एम्फीबियंस दुनिया में हर जगह क्यों नहीं पाए जाते, हमने पीछे पढ़ा कि उनके लिए क्या जरूरी है, वाटर जरूरी होता है। ठीक है, यही इसकी रीजन होगी। दे आर नॉट फाउंड इन डेजर्ट एंड स्नो, ये डेजर्ट से हराओं में और स्नो यानी जो बर्फबारी वाले इलाके होंगे वहां नहीं पाए जाते। क्यों, दे कैन नॉट गो अवे फ्रॉम द वाटर, क्योंकि ये पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, वो उनके लिए पानी बहुत जरूरी है उनकी रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट डू यू नो इज डायनासोर्स वर द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स ऑफ द एंशियंट टाइम्स बट दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। आपने सुना एक्सटिंक्ट स्पीशीज किन को कहा जाता है, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनका कोई भी एक सिंगल एनिमल भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंशियंट टाइम्स किन को हम कहते हैं, पुराने वक्तों में, बहुत ज्यादा पुराना वक्त कोई हो। ठीक है,
डायनासोर्स जो थे वो सबसे बड़े रेप्टाइल्स थे, ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, चाहे डू यू नो में लिखा, लेकिन ये चैप्टर का पार्ट है तो आपने इन चीज़ों को मिस नहीं करना। आप डायनासोर्स की यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है, डायनासोर्स इस तरह के होते थे, लेकिन अब इनकी सिर्फ जो है ना बोन्स वगैरह हमें मिली है, इनके अलावा ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कोई भी इनका सिंगल एनिमल सिंगल स्पीशी इनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब कहने की अगर हम इनको कंपेयर करें कि इनको एम्फीबियंस को एंड डायनासोर्स को एंड रेप्टाइल्स को मेनली फ्लोरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। क्यों, क्या एम्फीबियंस जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है जबकि रेप्टाइल्स हर जगह पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स हमारे घरों में भी हैं, बाहर भी हैं, पानी में भी हैं, हर जगह है। क्यों, क्योंकि ये पानी जरूरी नहीं, क्योंकि इनके लिए पानी जरूरी नहीं होता है जबकि एम्फीबियंस जो है उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट ग्रुप इज बर्ड्स, परिंदे, ठीक है। परिंदे तो हम नॉर्मली देखते हैं, क्रोज, स्पैरोज, ईगल्स, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में हर जगह स्काई पे हम देख लेते हैं। द बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक्स, ठीक है, बीक्स किन को कहते हैं, उनकी चूंच को, फीदर्स उनके जो पर होते हैं। देयर बोन्स आर होलो एंड देयर थस देयर वेट इज लेस, एज वी नो डैट बर्ड्स जो होते हैं उनका बहुत थोड़ा वेट होता है, ठीक है, हमसे भी बहुत थोड़ा होता है। अलॉन्ग विद लंग्स दे हैव एयर सैक्स, ठीक है, लंग्स के साथ साथ उनके पास क्या होता है, एयर सैक्स भी मौजूद होते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर, एज हम परिंदों को उड़ता हुआ देखते हैं आसमान में। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो कि पानी में स्विम कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं डक्स को आपने देखा भी होगा। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रनिंग बर्ड्स, जैसे कि कीवी एंड ऑस्ट्रिच, ठीक है, आपने शुतुरमुर्ग वगैरह देखा होगा जू में। आर द बर्ड्स ले एग्स, ठीक है, सबके सब जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। द बर्ड्स दैट लिव इन वाटर हैव वेब्ड फीट, ठीक है, डक देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जितने भी हमने पीछे ग्रुप्स पढ़े वर्टिब्रेट्स के, एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल्स थे, फिश थे, वो सबके सब क्या थे, उनका टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन बर्ड्स जो हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। बर्ड्स की एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया, स्पैरो को, ठीक है, स्पैरो, पिजन, कीवी, रूस्टर, डॉग, पैरट एंड ऑस्ट्रिच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर उनकी डायग्राम्स भी पिक्चर्स भी देख सकते हैं, डब, स्पैरो, कीवी, ऑस्ट्रिच, रूस्टर, ठीक है। डू यू नाउ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज ईगल विच लिव्स ऑन अ हायर ट्रीज और रॉक्स। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, ये आपने याद रखना है कि जो लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है वो कौन है, ईगल है, एंड द स्मॉलेस्ट जो बर्ड है वो कौन सा है, हमिंग बर्ड है। हॉक इज अ हंटर बर्ड, पिजन इज दैट बर्ड दैट लिव्स ऑन स्नो, वर्ड पिकर्स आर लिव्स इन द होल्स डेट दे मेक इन रे ट्रंक। ये सारे के सारे आपने एमसीक्यूज के तौर पर लाजमी याद रखने हैं। नेक्स्ट, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन, डू यू नो, कोई भी इस तरह का बॉक्स आता है उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ द कॉर्निवोर डायनासोर्स। हाउ आर द बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स, बर्ड्स किस तरह डिफरेंट है किनसे, रेप्टाइल से यानी लिजर्ड, स्नेक से किस तरह डिफरेंट है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बर्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने पीछे पढ़ा है कि जितने भी ग्रुप्स हमने पढ़े वो सब के सब क्या थे, वाटर पर डिपेंड कर रहे थे, यानी उनकी डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ सब के लिए पानी जरूरी था, लेकिन बर्ड्स क्या है उनको एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, और उनके पानी भी जरूरी नहीं है। सो दे रिमेन एक्टिव एंड अराउंड द ईयर, दे शो पेरेंटल केयर, दे मेक नेस्ट टू लिव। आपने अक्सर दरख्तों के ऊपर उनके घोंसले देखे होंगे जो परिंदे बहुत खूबसूरत बनाते हैं। दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट, हिजरत भी करते रहते हैं, एक जगह पर उनका ठिकाना नहीं होता है। A bird park is called aviary. There is a bird park in Islamabad at Lake View Park, adjacent to the Rawal Lake. This is the third in the world and largest bird park of the Pakistan. There are 280 types of birds here, a whose number is more than 4,000. अगर कोई स्टूडेंट इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क में गया होगा तो उसने वहाँ पे ये लाजमी देखा होगा कि वहाँ पे उन्होंने एक बर्ड पार्क बनाया हुआ है, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे हर तरह के बर्ड्स मौजूद हैं। सो ये स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप इज मैमल्स, ठीक है। मैमल्स किन को कहेंगे, मैमल्स की मेन जो पहचान है वो क्या है कि इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में भी हेयर मौजूद होते हैं तो हम भी क्या है, मैमल्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं। हम आपने सुना होगा कि ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल्स, तो हम किन ग्रुप में आते हैं, मैमल्स में। मैमल्स हैव फर ऑन हेयर और हेयर ऑन देयर बॉडी, मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम ऑन मिल्क, ठीक है, आप देखते हैं जैसे गोट है, काऊ है, ठीक है, ये सब क्या देती हैं, दूध देती हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैमल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिस तरह बर्ड्स जो थे वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं कि भाई सराउंडिंग्स में कितना टेम्परेचर है, तो इसी तरह जो बर्ड
बर्ड्स हैं और मैमल्स दोनों जो है वो डिपेंड नहीं करते. हॉर्स, काउ, गोट, टाइगर, कैट एंड ह्यूमन आर एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स. देखिए मेनली उन्होंने ह्यूमन भी बताया हुआ है. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इज पोलर बियर्स लिव इन स्नोई रीजन ऑफ द नॉर्थ पोल. इट्स बॉडी हैज अ थिक कवरिंग ऑफ फर. ठीक है, पोलर बियर आपने अक्सर कार्टून वगैरह में भी देखे होंगे. एलिफेंट्स लिव इन हॉट क्लाइमेट सो इट्स बॉडी इज नॉट कवर्ड बाय द थिक लेयर ऑफ हेयर और फर. एलिफेंट आपने जू में देखा होगा. ठीक है, प्लेटिपस इज अ मैमल. फीमेल लेज एग्स एंड फीड्स मिल्क टू द यंग वंस. ठीक है, ये प्लेटिपस की पिक्चर्स भी उन्होंने साथ साथ ड्रॉ की हुई है. ठीक है, आप देख सकते हैं. कैंगरू कीप्स, कैंगरू तो अक्सर स्टूडेंट्स का फेवरेट एनिमल भी होता है, लेकिन कैंगरू कीप्स इट्स न्यू बॉर्न बेबीज इन एक्सटर्नल पाउच ऑन द बैली. ठीक है, ये जैसे उन्होंने यहाँ बताया हुआ कि एक्सटर्नल पाउच ऑफ द बैली में वहाँ पर वो अपने बेबी को रखता है. बैट इज अ फ्लाइंग मैमल. बैट भी एक क्या है, मैमल है, लेकिन वो क्या है, फ्लाइंग मैमल. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. Among the vertebrates in the world, the birds and mammals are the largest groups. What is the reason? सारे के सारे जो vertebrates हैं उनमें से birds और mammals ही क्यों largest groups हैं, यानी यही तादाद में ज़्यादा क्यों हैं? The reason is that both show parental care. क्योंकि ये क्या show करते हैं, parental care show करते हैं. जिस तरह के हमारी mother और father हमारा ख्याल रखते हैं, इस तरह जो बाकी animals हैं वो अपने बच्चों को उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं. Such as you must have seen how hen and cats take care of their young ones. जिस तरह आपने देखा होगा कि किस तरह एक मुर्गी ने cat जो होती है वो अपने किस तरह baby का ख्याल रखती है. आपने अगर cat अपने घर में रखी हुई है या फिर hens भी रखी हुई हैं, आपने देखा होगा कि जो mother cat होती है उसका अपनी baby cat kitten जो होती है उससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है. और कोई उससे तंग करें या वो थोड़ी देर के लिए छोटे होते हैं तो उनको चलने का बहुत शौक होता है ना, और वो कहीं गुम हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है. अक्सर आपने उनकी बिल्ली के रोने की आवाज़ भी सुनी होगी. So that was our today's topic, classification of vertebrates. Got this topic very well and found this video helpful, then don't forget to share it with your fellow friends and family. Till my next video, take care. Allah Hafiz.